नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। जी हां, युवा बसपा नेता अब्दुल रज्जाक खां के नेतृत्व में वरिष्ठ बसपा नेता व पूर्व जमानिया विधानसभा प्रत्याशी अतुल राय के 37वें जन्मदिन पर भदौरा बाजार स्थित मेडिसिटी हॉस्पिटल के सभी मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम किया गया और नेता की लंबी आयु की कामना की गई। वरिष्ठ बसपा नेता अतुल राय के पास समर्पित समर्थकों की लंबी जमात है। यही वजह है कि उनके समर्थक उनके लिए हर मौके पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। गुरुवार को उनका 37वां जन्मदिन पर समर्थकों ने जगह जगह अपने अंदाज में कार्यक्रम कर उनके दीर्घायु जीवन की तथा सफल राजनीतिक जीवन की कामना की। सेवराई गांव निवासी युवा नेता अब्दुल रज्जाक खां के नेतृत्व में दर्जनों समर्थकों ने भदौरा बाजार स्थित मेडिसिटी हॉस्पिटल पहुँच सभी गरीब रोगियों को फल वितरित कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर इन लोगों ने बताया कि अतुल राय बराबर गरीबों निराश्रितों के हितों को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, उनके लिए संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते। इसलिए उनके 37वां जन्मदिन पर गरीब मजलूम मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम किया है, क्या कार्यक्रम रहा है आप लोग का? आज हम लोग के नेता बड़े भैया अतुल राय साहब के जन्मदिन था, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल में फल वितरण किया। अतुल राय जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाए, क्योंकि वो गरीबों मजलूमों के नेता हैं। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, नेता की बहुत दूर की बात है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। कोई गरीब हो, जो भी जाता है उनके यहाँ रोते हुए आता है, हंसते हुए, क्योंकि उन लोगों का काम पूरा हो जाता है। इसलिए हम लोग अतुल भैया का जन्मदिन मनाते हैं। कैसा कार्यक्रम चलाया है आज अतुल भैया के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए? हम लोग ने फल हॉस्पिटलों में फल डोनेट किया और अतुल भैया की सराहनीय में हम लोग काम करते हैं और अतुल भैया की अच्छे कामों के कारण हम लोग उनकी पार्टी से जुटे हुए हैं, उनसे जुटे हुए हैं। हमारे बड़े भैया अतुल भैया की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।